हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत जैसे देश में जहां बेटियों की पूजा होती है, जहां माँ दुर्गा माँ काली के जयकारे लगाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हाडा रानी पद्मावती की वीर गाथाएं सुनाई जाती है, उस देश में आज नन्नी नन्नी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ज्वलंत प्रश्न है, जिस देश में कभी बेटियां निर्भय होकर घूमती थी, वहां आज निर्भया न्यास की पुकार कर रही है। इसलिए आज परिवारों में सुसंस्कारिता पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। बेटियों को सबल बनाए, बेटियां कमर कस ले तो समाज बदल जाएगा। खरगोन जिले की कसरावत तहसील के ग्राम मुल्ठान में प्रज्ञा पुराण कथा में चौथे दिन नरेंद्र ठाकुर ने यही बात कही। साथ ही उन्होंने गृहस्थ जीवन को सारे आश्रमों में श्रेष्ठ बताया। प्यार और संस्कार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। गृहस्थ में सेवा स्वयं की साधना करनी पड़ती है। नारी की महानता का वर्णन करते उन्होंने नारियों को पूजनीय बताया। आगे उन्होंने गुरु महिमा का गुणगान करते हुए सबको गुरु दीक्षा लेने के लिए भी प्रेरित किया। चौथे दिन सुबह यज्ञ में 150 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार और 25 बच्चों के नामकरण संस्कार भी हुए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। यदि गलत होंगे तो व्यक्ति गलत काम करेगा, यदि विचार अच्छे होंगे तो व्यक्ति अच्छे विचार करेगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, बोलो गायत्री माता की जय। केकर नींद आएगी, बोलो गायत्री माता की जय। एक आदमी जंगल में जा रहा था, साथ में टिफिन रखा हुआ था। उसने सोचा कि पेड़ के नीचे जाके खा लूं, पेड़ के नीचे जाके बैठा और वो खाना खाने लगा। तो उसने सोचा कि अरे रोटी सब्जी ही है, कोई सलाद कोई रायता कोई दही वगैरह और हो जाता, एक आधी मिठाई हो जाती तो मजा आ जाता। उसने जैसे ही सोचा कि एक थाल आ गई उसके सामने, उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया। वो थाल उसके पास आई, उसने खाया, बड़ा उसको मजा आया, अब बहुत खाना खाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन